और मैं आशा करती हूँ आप सर्वोत्तम स्किन केयर प्रोडक्ट एटमी द फेम सेट का यूज जरूर कर रहे हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमारा सुझाव है कि आप सभी एटमी प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस वाइज यूज करें। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट्स की विशेषताएं। सबसे पहले हम जानेंगे एटमी द फेम टोनर की विशेषताएं। पहला, ये एक अतिरिक्त सुरक्षित परत बनाता है जो हमारी त्वचा को बाहरी गंदगी से बचाता है। दूसरा, ये पोर्स को बंद करता है और एक्सेस ऑयल को हटाता है जो कि आपकी त्वचा में होने वाले एक्ने से बचाता है। तीसरा, आप अपने चेहरे की जितनी भी सफाई करें चेहरे पर मेकअप और धूल रह ही जाती है, इसी को हटाने में सहायक है एटमी द फेम टोनर। तो चलिए जानते हैं एटमी द फेम टोनर को इस्तेमाल करने का तरीका। पहले कॉटन पर कुछ बूंदे टोनर की लें, फिर पूरे मुंह और गर्दन पर लगाएं। आप रुई की जगह अपने हाथों पर भी लेकर लगा सकते हैं। फिर सूखने दें। इसके बाद फेम आई क्रीम लगाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी एटमी द फेम आई क्रीम की विशेषताएं। पहला, द फेम आई क्रीम डार्क सर्कल्स कम करता है। दूसरा, ये फाइन लाइंस और झुर्रियां भी कम करता है। तीसरा, ये एजिंग को रोकता है। चौथा, ये आंखों के आसपास होने वाले रूखेपन को भी रोकता है। अब जानते हैं एटमी द आई क्रीम इस्तेमाल करने का तरीका। पहले अपने रिंग फिंगर पर क्रीम ले क्योंकि उसमें कम फोर्स होता है। फिर क्रीम को चारों तरफ लगाएं पर रब ना करें। इसके बाद एटमी द फेम एसेंस लगाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी एटमी द फेम एसेंस की विशेषताएं। पहला, एटमी द फेम एसेंस मॉइस्चराइजर के लिए बेस का काम करता है। दूसरा, एसेंस में मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं जो स्किन में तीन लेयर तक अंदर जाती है और गहराई से काम करती है जो कि एक एवरेज मॉइस्चराइजर नहीं कर पाता। तीसरा, ये स्किन को हाइड्रेट और रीबैलेंस भी करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी एटमी द फेम एसेंस को इस्तेमाल करने का तरीका। पहले कॉटन पैड पर 4 से 5 बार पंप करें और पूरे चेहरे पर लगाएं। आप 4 से 5 बार पंप हाथों पर भी लेकर सर्कुलर मोशन पर लगा सकते हैं। इसके बाद एटमी द फेम लोशन लगाएं। अब मैं आपको बताऊंगी एटमी द फेम लोशन की विशेषताएं। पहला, एटमी द फेम लोशन स्किन में मॉइस्चर को रोकता है। दूसरा, ये स्किन से ब्लेमिशेस भी हटाता है। तीसरा, ये स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेट करके ड्राइनेस और रफनेस को हटाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एटमी द फेम लोशन को इस्तेमाल करने का तरीका। पहले हमेशा अपने चेहरे के साथ साथ गर्दन पर भी लोशन लगाएं। लोशन को ऊपर चेहरे की ऊपर की ओर लगाएं। सर्कुलर मोशन से चेहरे को मसाज करें। इसके बाद एटमी द फेम न्यूट्रिशन क्रीम लगाएं। आइए जानते हैं एटमी द फेम न्यूट्रिशन क्रीम की विशेषताएं। पहला, एटमी द फेम न्यूट्रिशन क्रीम स्किन को इवन टोन देता है और चेहरे की चमक बढ़ाता है। दूसरा, ये रिंकल्स से भी बचाता है। तीसरा, ये स्किन को हाइड्रेट करता है जिससे एजिंग स्लो होती है। अब मैं आपको बताऊंगी एटमी द फेम न्यूट्रिशन क्रीम को इस्तेमाल करने का तरीका। पहले हथेलियों पर थोड़ा सा एटमी न्यूट्रिशन क्रीम ले। इसके बाद आराम से क्रीम को गर्दन और चेहरे पर उंगलियों से लगाएं। सर्कुलर मोशन में लगा के मसाज करें। तो ये थी एटमी द फेम सेट की विशेषताएं और इस्तेमाल करने का तरीका। अब हम मिलेंगे अगली बार अगले प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।